Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography of one very important topic of polynomial class 10th. To start with, Sheena, I would like to do first question, fifth part first of all. Can you please read it? Q. Nahin, first of all, read that. Find the zeros. Find the zeros of each of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros of their coefficients. Q of y is equal to 7y square minus 11 upon 3y minus 2 upon 3. ओके मैं आपको लिख के समझाता हूँ. ये एक्सरसाइज न्यू बुक में है 2.1 और ये फर्स्ट क्वेश्चन में से मैं एक ही पार्ट कर पाऊंगा आपके लिए. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट. यहाँ जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है 7y square minus 11 by 3 into y minus 2 by 3. आप सबसे पहले काम करो, इसे इक्वल टू जीरो पुट कर लो और बेटा इसका एलसीएम ले लो. ये आ जाएगा 21y square minus 11y minus 2 इक्वल टू 0 by 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. सबसे पहले मैं इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ पूरे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में रहेगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा थोड़ी. ठीक है, अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए ax square plus bx plus c equal to 0 के साथ. बताइए मुझे a क्या है, b क्या है और c क्या है. सर इसमें a है 21, b है minus 11 और c है minus 2. ठीक है, अब हमें करना क्या है बेटा, इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर बनाने हैं. मैं यहाँ पर फिर से आपके लिए लिख देता हूँ. थोड़ा फास्ट करेंगे शीना, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, वरना वीडियो बहुत लेंथी जाएगा इसका. ठीक है, ओके सर. पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, चाहे आपके पास बेसिक है या स्टैंडर्ड है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से आएगा. ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल से जो क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी के बजाय इसी एक्सरसाइज से आएगा. तो इस एक्सरसाइज का आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना है. MTS से फैक्टर आपको बनाने आते ही हैं बेटा. दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -42 आए, जिन्हें ऐड करें तो -11 आए. बताइए, 7 और 6 नहीं होंगे, क्योंकि 7 into 6 42 तो होगा, पर 7 और 6 को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 नहीं आएगा. मैंने नंबर चूज कर लिए -14 और +3. अगर शीना आपसे डायरेक्ट ना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना, या MTS से बना रहे हो ना तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करना. जैसे मैंने देखो ये 14 और 3 ले, और मेरी रिक्वेस्ट है मेरे साथ साथ ही करते रहिए. ठीक है, पिक्स मैं फिर भी भेजता रहूंगा आपको, कोई रह जाए तो देख लेना. तो -11y के प्लेस पे आप लिखेंगे -14y plus 3y minus 2. यहाँ से कॉमन लीजिए 7y, तो अंदर बच जाएगा 3y minus 2, और इन दोनों में से +1 कॉमन लीजिए, अंदर बच जाएगा 3y minus 2. तो एक फैक्टर आ गया 7y plus 1 और एक आ गया 3y minus 2 इक्वल टू 0. अब एक काम करिए, या तो 7y plus 1 को आप 0 लीजिए या 3y minus 2 को 0 लीजिए. यहाँ से 7y आ जाएगा 1 और 3y आ जाएगा 2. फिर बेटा ये y आ जाएगा -1/7, ये पहला रूट है अल्फा, और दूसरे वाले से बीटा आ जाएगा, जो y की वैल्यू हो गई 2/3. अब शीना इसके बाद आपको पता ही है रिलेशन आपको वेरीफाई करना है. सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. अल्फा आया -1/7, बीटा आया 2/3. बी बताइए. बी है सर 11 -11 और ए है 21. ये सॉल्व करके आपको पता है LHS और RHS बराबर आनी चाहिए. ये 7 to the 14, ये तो आपको सॉल्व करने आता ही है, राइट? माइनस इनटू माइनस प्लस, तो ये देखो ये वेरीफाई हो गया. ओके,
वेरीफाई द रिलेशनशिप में शीना, ऐसे हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी किए थे, आपको पता ही है। हाँ सर। देन वी हैव अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा है माइनस 1/7, बीटा है 2/3, सी कितना है? माइनस टू। सर सी माइनस टू और ए 21। ए है 21, तो ये आ गया माइनस 2/21 इक्वल टू माइनस 2/21। तो रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है शीना? आई होप मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं आप। हाँ सर। ओके, थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा क्योंकि वीडियोस के थोड़े से क्वेश्चन भी लेंदी है, ठीक है? ओके, ये पहला हमने कर लिया। अब मैं चाहूंगा शीना, ये सेकंड वाला भी सेम ही है, ठीक है ना? सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। चलो एक पार्ट कर लेते हैं, पढ़ना जरा सेकंड का फर्स्ट वाला। सेकंड का फर्स्ट वाला सर, हाँ, 21/8, 5/16। नहीं 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 वो सेकंड है, पहले तो बेटा ये पढ़ो ना, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर एज गिवन, आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दीस पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है, सम और प्रोडक्ट गिवन है जीरोस का, और जीरोस भी निकालने हैं, ठीक है? एक ही मैं सेकंड क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ, ध्यान से देख लिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ द रूट्स कितना गिवन है, -8/3, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन है 4/3। ये सम और प्रोडक्ट गिवन है, और अगर आपको शीना ध्यान हो कि जब भी सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो इक्वेशन बनती है के ब्रैकेट में x² - sum of the root into x + product of the root। तो यहाँ पर अब इस बार है ना, क्योंकि हमें फैक्टर भी निकालने हैं, तो मुझे इसे जीरो से भी इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ ये ऐसे आ गया -8/3 into x, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 4/3। तो अगर उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछी है तो वो ऐसे हो जाएगी, ये भी लिख सकते हो, पर मैं चाहूंगा आप वैसे ही एलसीएम लेके लिखो। ये आ जाएगा 3x² + 8x + 4। ये आ जाएगा k/3 ब्रैकेट में 8x + 4, इसकी जगह आप के डैश लिख दोगे, ठीक है? के डैश वैसे आंसर शीना उन्होंने यही दिया हुआ है पीछे आरडी में ना, इतना ये वाला आंसर दिया हुआ, ठीक है? पर मैं थोड़ा सा आगे भी करके दे रहा हूं, सारे ही आंसर सही है, डोंट वरी, पर आप ये वाला लिखना, ठीक है? और अब शीना आप यही जो इक्वेशन बनी है ना, इसे ऐसे इक्वल टू जीरो लिख देना, और इसके हमें फैक्टर बताने हैं एमटीएस से। आपको पता है 8 into c, 3 into 4 करोगे आप 12, और b क्या होना चाहिए 8। तो बताओ जल्दी से, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड करें तो 8 आए। सर 6 और 2। 6 और 2, वेरी गुड। तो 8x के प्लेस पे लिखिए 6x + 2x, यहां से कॉमन ले लीजिए 3x, तो अंदर बच गया x + 2, यहां से +2 कॉमन ले लीजिए, पूरे में से कॉमन है x + 2 और 3x + 2, तो यानी कि x + 2 आ गया 0, या 3x + 2 आ गया 0, तो x आ गया -2, और यहां से x क्या आ गया -2/3। उन्होंने वो दो जीरोस पूछे थे ना,
तो 2 जीरोज ही आ गए। बस वेरीफाई नहीं पूछा था शीना, तो जितना पूछा है बेटा उतना ही करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर वेरीफाई ओके भी पूछ लेते तो वही सम ऑफ द रूट वाला जैसे पीछे किया था, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। सारा काम आप मुझे लास्ट में भेज देना, ठीक है? अब मैं चाहूंगा, यहाँ थर्ड से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़िए थर्ड क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, मैं आपको यही जो क्वेश्चन है पहले लिख के समझाता हूँ कि राइटर यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, पर बोर्ड में जरूर मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको। तो ध्यान से देखिए, एफ एक्स फिलहाल हमें दिया हुआ है। कई बच्चे पता क्या करते हैं, इसके एमटीएस से फैक्टर बना देते हैं, अल्फा बीटा उसे मान सकते हैं, उससे भी हो जाता है, पर बेटर होगा आप इसे सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही करें, ठीक है? इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो प्लीज एमटीएस से करने की बजाय शीना मैं फिर से बता रहा हूं, सम और प्रोडक्ट की हेल्प से ही करना है। फटाफट मुझे ए बी और सी की वैल्यूज बताइए। इसमें ए 1 होगा, बी माइनस 5 होगा और सी 4 होगा। वेरी गुड, सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 5 और ए हमारा 1 है, तो सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा वो हमारा सी अपॉन ए आ गया, यानी कि 4/1 यानी कि 4 आ गया। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब आपको जो वैल्यू चाहिए शीना, वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की चाहिए। ध्यान से देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो इसका एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा और 1 का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बच जाएगा बीटा, अल्फा बीटा अपॉन में बीटा बच जाएगा अल्फा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर क्या बनाना है, अल्फा बीटा बनाना, ठीक है? तो अल्फा बीटा से ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, बीटा प्लस अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस में 2, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आप देखिए शीना, हमने 1 और 2 इक्वेशन को यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे 5, अल्फा बीटा की जगह लिखेंगे हम 4 का होल स्क्वायर, और यहां भी अल्फा बीटा की जगह 4, 4 स्क्वायर इज 16 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 32 अपॉन में 4 यानी कि -27/4, यानी कि इसका आंसर क्या होगा शीना, -27/4, ठीक है? आप ये एक बार वापस समझाओगे? हाँ, 1 सेकंड, पहले मैं आपको सेंड कर देता हूँ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सम और प्रोडक्ट तो मुझे पता है आप निकाल ही लोगे, पर मेन इसमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की, एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम आपको आता ही है लेने, बस इसे ऐसे लिख दिया मैंने, बीटा प्लस अल्फा को लिख दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस में ये 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। फिर बेटा यही वाली जो वैल्यूज आई थी ये हमने पुट कर दी है, और प्लस माइनस तो आपको आता ही है, राइट? यस सर, ओके सर। अच्छा, इसके अलावा शीना कुछ आइडेंटिटीज भी इसमें आएंगी, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको भी रिकॉल हो जाएंगी 9th वाली, और कुछ उससे मैंने नई भी डिराइव की है, ठीक है? ओके सर। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको? हाँ सर।
फटाफट बोलते रहिए, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अगली भी पढ़ते रहिए। ए ए माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपकी काम में आएंगी इसमें, ठीक है। यस सर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही और भी कई काम में आएंगी, जैसे ए प्लस बी होल क्यूब। तो ये वाला मैं भूल गई। हाँ कोई नहीं, आप नोट कर लीजिए, सारी तो नाइन्थ वाली नहीं आएंगी, पर ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो काम में आएंगी, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री ए बी की ए से करोगे तो आएगा थ्री ए स्क्वायर बी, और थ्री ए बी की बी से करोगे तो आएगा थ्री ए बी स्क्वायर। ए माइनस बी का जो होल क्यूब है वो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी, साथ साथ लिखते रहिए। हाँ सर, और ये बन जाएगा, ऐसे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। इसके अलावा अगर आपको याद हो, ये भी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो इसमें काम में आएंगी मैं वही लिख रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी थी पर वो मैं नहीं लिख रहा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन अनदर ब्रैकेट। होता क्या है, जब यहाँ शीना प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, पर जब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो यहाँ ए माइनस बी होता है और यहाँ यू नो प्लस होता है सारा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये हो गई, इसके अलावा जो है एक शीना ये भी बड़ी आती है, ए की फोर माइनस बी की फोर, याद रखना, अगर ये कहीं आ जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसे आप फर्दर लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी यहां से शीना आ जाएगी बाय वन फर्स्ट से सॉल्व होके, ठीक है। ये जो नाइन्थ वाली आइडेंटिटी है ये बन जाएगी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। कहीं में डिराइव, हाँ ये बेटा ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना ऐसे तभी, ठीक है। तो कई आपको स्ट्रेट अवे ध्यान रखनी है, ऐसे अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में देखो रिलेशन चाहिए तो क्या करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, अब आप अपनी तरफ से क्या करोगे, 2ab इसमें ऐड करोगे और 2ab ही सब्ट्रैक्ट करोगे। अब देखो इन तीनों की पेयरिंग कर लो, पेयरिंग का मतलब है लेफ्ट साइड तो आपकी सेम है, यहां पर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को आप इकट्ठे लिख लो और इन दोनों को आप इकट्ठे लिख लो, 2ab और 2ab को, तो ये एक नई आइडेंटिटी बन गई। याद रखना ये भी एक क्वेश्चन में यूज होती है, तो मैं डायरेक्टली पहले समझा रहा हूं कि अगर आपसे कोई रिलेशन पूछे a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर कुछ रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट में नोट कर लेना, मैं टाइम दूंगा। हाँ सर, ओके। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन शीना, अब मैं चाहूंगा आप अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला रीड करें। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 5y² माइनस 7y प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ओके सबसे पहले मैं लिख के बताता हूँ और वैसे ही हमें सम और प्रोडक्ट निकालना है इसमें।
तो ध्यान दीजिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जो सिमिलर है वो तो मैं नहीं करूंगा, ऑलरेडी एमसीक्यूज के लिए हमने तो वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। पर एक ये एक्सरसाइज का वीडियो मैं काफी समय से बनाना चाह रहा था, तो ध्यान दीजिए। पी ऑफ वाई गिवन है हमें, सबसे पहले इसे आप कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। फटाफट बताइए ये क्या होगा। ए 5 होगा, बी -7 होगा और सी 1 होगा। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला बताइए। अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये माइनस माइनस राइट प्लस हो गया, याद रखना। तो आप डायरेक्टली कहीं भी अगर अल्फा प्लस बीटा आएगा उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 7/5। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और कहीं भी अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा तो उसे आप लिख सकते हैं सी अपॉन ए, यानी कि 1/5। आरडी से अलग टेस्ट बना रखे हैं, मैंने पहले बता रहा हूँ, आरडी से मैं अलग दूंगा आपको टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब बेटा हमें वैल्यू चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। ये बहुत आसान है शीना, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, दिस अपॉन अल्फा बच जाएगा बीटा, और अल्फा बीटा अपॉन बीटा बच जाएगा अल्फा। इसे सीधा लिख लो, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हो। अल्फा 7/5 और अल्फा बीटा की जगह 1/5। ठीक है, अब आपको पता ही है डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, एक्सरसाइज लेंदी है, मैंने पहले भी बोला था। ओके, अब मैं चाहूंगा शीना आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। If 1 0 of the quadratic polynomial f of t, नहीं sorry, f of x is equal to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other, find the value of t. तो ध्यान दीजिए क्लास, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख के समझाता हूँ। एक जीरो मतलब एक फैक्टर दूसरे का नेगेटिव दिया हुआ, ठीक है। ये वैसे यहीं पर ही आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5। तो देखिए एफ ऑफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है शीना, 4x² माइनस 8kx माइनस में 9, और एक जीरो बीटा जो है 1/अल्फा दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या बेटा, k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो शीना फिर से इसे कंपेयर कीजिए क्वाड्रेटिक से और मुझे बताइए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए है सर, इसमें ए है 4 और बी है 8 -8 और सी माइनस एट है, के है, के माइनस एट के, ओके -8 के और सी है -9। क्योंकि बेटा जब भी ऐसे दिया होता है ना बीटा 1/अल्फा, तो सम ऑफ द रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा प्रोडक्ट ऑफ द रूट ही लगाया करो। उसका रीजन ये है क्योंकि देखो अल्फा की जगह लिखोगे अल्फा और बीटा था 1/अल्फा, याद है ना, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमें गिवन था। तो अल्फा से अल्फा क्या होगा, कट हो जाएगा और लेफ्ट साइड हमारी 1 बन जाएगी। सी कितना है, हाँ सर, सर ओके। सी है सॉरी सॉरी, मैंने -9। क्वेश्चन गलत नोट किया शीना, एक सेकेंड। यहाँ पर बीटा 1/अल्फा नहीं दिया, बीटा माइनस अल्फा दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, बीटा माइनस अल्फा गिवन है, राइट। उन्होंने बोला है एक जो रूट है ना दूसरे का नेगेटिव है, रेसिप्रोकल नहीं है, नेगेटिव है। तो इसमें ना सीधा आप सम ऑफ द रूट लगाइए, फिर यही सेम फंडे से सम ऑफ द रूट क्यों लगाइए, क्योंकि देखिए पहले तो फॉर्मूला लिख लो ऐसे। आप क्या होगा, बीटा की जगह 1/अल्फा नहीं होगा, बीटा की जगह आप क्या पुट करेंगे,
माइनस अल्फा पुट करेंगे, ठीक है। ऐसे बीटा की जगह माइनस अल्फा करिए, और माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस एट के, और ए हमारा आ रहा है 4। प्लस इनटू माइनस माइनस करिए, ऐसा इसलिए हुआ शीना क्योंकि लेफ्ट साइड हमारी जीरो हो गई। माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 8k अपॉन में 4, 4 वन दा 4, 2 दा, तो 0 आ गया हमारा 2 इंटू के, और k आ जाएगा 0 बाय 2, यानी कि k हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी और आगे भी आएंगे ऐसे रेसिप्रोकल वाले, उसमें फिर देखना मैं सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाऊंगा, ठीक है। ओके सर, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये मैंने आपको सेंड कर दिया। और शीना अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 3 के इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ध्यान से देखिए, इसमें सम ऑफ द जीरोस जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल है। मैं थोड़ा सा लिख के समझाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6, इक्वेशन हमें दी है एफ ऑफ टी इक्वल टू के इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, नंबर वन। नंबर टू जो सम किसके इक्वल गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल आपको गिवन है। और आपको करना क्या है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से शीना मैं एक ही बात कहूंगा कि आप इस इक्वेशन को प्लीज कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, ठीक है। अब जरा मुझे फटाफट बताइए a क्या है। सर a इसमें k है, b 2 है, t यहाँ पर वेरिएबल है ना, तो 2 है सिर्फ, यहाँ पर वेरिएबल x नहीं है, t है, वही सर, और k कांस्टेंट है, ठीक है। c हमारा कितना है, 3k। अब जरा ध्यान से देखना, एक जगह 1 नहीं आएगा, मतलब k की तो वैल्यू निकालनी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, k की हमें निकालनी है, k की जगह k ही आएगा, डोंट वरी। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का लगा रहा हूँ सी बाय, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ऐसे सेम हो तो कट सकते हैं। वी आर लेफ्ट विद माइनस बी इक्वल टू सी, बी की जगह है 2 और सी की जगह है 3k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 अपॉन 3। k की वैल्यू आ गई माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। अभी मैं इकट्ठा सेंड कर दूंगा। अब मैं चाहूंगा अब 7 क्वेश्चन का मैं एक ही पार्ट करा पाऊंगा शीना, ये वैसे ही है, मैं ना एक टिपिकल वाला पार्ट आपको कराता हूँ, पर मैं नेक्स्ट फुल पेज चाहिए होगा मुझे इसके लिए। एक मिनट रुकिए, पहले मैं सेंड कर देता हूँ आपको। 7 का मैं सिर्फ आई रिपीट एक ही पार्ट करा पाऊंगा, इसमें बहुत सारे पार्ट है, रिमेनिंग आप खुद कर सकते हैं। मैं एक मुश्किल वाला पार्ट आपके लिए कर रहा हूँ, दैट इज दिस वन। वैसे तो ये सारे सेम है, ठीक है ना, पर मैं देखो एक बार क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। Find the zeros of each of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros of their coefficients. मैं ये फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, बाकी सब तो आपको आते ही हैं, ठीक है। मैं लिख के आपको समझाता हूँ तो आपको ये बेटर समझ आएगा। सारे पार्ट करना तो पॉसिबल नहीं है शीना, पर मेन मेन हम कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जी एक्स हमें दिया हुआ है ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, आपको इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। ये अभी बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक में नहीं है, ये ए इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। इसको ये एक्स वाली टर्म को तो इकट्ठा ही रहने दो, ए इन टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए की वन से करोगे तो हो जाएगा ए। यहाँ इसे ऐसे लिख लो माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 1, और एक्स को आप पीछे लिख लो,
आप क्या करो, ये ए इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस में ए। तो अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आप शीना बड़ा ध्यान से देखना, मैं आराम आराम से करूंगा। मैंने कैप्स में नाम इसलिए दिया ताकि स्मॉल वाले के साथ कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल ए का वैल्यू है स्मॉल ए, बी का बोलो। सभी का ये ए कॉफिशियंट देखो ना इसका, माइनस ब्रैकेट वन ए स्क्वायर प्लस वन, और सी सी का है वैल्यू है नॉलेज। स्मॉल ए। ठीक है, आप देखो ये वाले है ना डायरेक्ट हो जाते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे भी सही ना तो वही सेम ही आएगा। मतलब देखो मैं आपको करके बताता हूँ, ये देखो कॉफिशियंट्स की मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, तो ए इंटू ए क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, राइट। और ये बीच वाली टर्म ऐसे आएगी, माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस वन। तो इसमें सोचना नहीं है, दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आए, जिन्हें ऐड करें तो वन आए, ये आए, मतलब माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस वन। तो आंसर होगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस वन। और आपको इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है शीना, बस इसे खोल दो। ये देखो, ये माइनस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो आएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स, और ये बन गया माइनस वन, माइनस वन की एक्स से आएगा माइनस एक्स। क्लियर है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो, इनमें से कॉमन लोगे तो आएगा ए एक्स, अंदर बच जाएगा एक्स माइनस ए। अब यहां से भी कुछ ऐसे कॉमन लेना है कि एक्स माइनस ए बचे, तो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस वन। ये दोनों सेम होने चाहिए एमटीएस में, आपको पता ही है। पूरे में से कॉमन एक्स माइनस ए, अंदर बच गया ए एक्स माइनस वन। अब सबसे पहले हम अल्फा बीटा निकालेंगे ना, तो या तो एक्स माइनस ए को जीरो के इक्वल रखो या ए एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो रखो। तो यहाँ से एक्स आ गया ए, अल्फा आ गया स्मॉल ए, यहाँ से ए एक्स आ गया वन, एक्स आ गया वन अपॉन ए, मतलब बीटा आ गया कितना, वन अपॉन ए। आई होप इतना क्लियर है। हाँ सर, हाँ, तो कईयों में थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट वरी, वो प्रैक्टिस से आ जाएंगे। सम ऑफ द रूट वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, अल्फा की जगह ध्यान दीजिए स्मॉल ए, और बीटा की जगह आ गया वन अपॉन ए। माइनस बी मीन्स माइनस, देखो बी का वैल्यू क्या था, माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस वन, और ए का वैल्यू क्या था, स्मॉल ए। तो इधर भी एलसीएम ले लो, ए और वन का एलसीएम ए, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन। तो एलएचएस हमारी पूरी सॉल्व होके आ गई, ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए। ये माइनस इनटू माइनस आपको पता है प्लस होता है, और आरएचएस भी आ रही है ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की जगह है स्मॉल ए, बीटा की जगह है वन अपॉन ए, स्मॉल सी की जगह शीना, सो स्मॉल सी की जगह स्मॉल ए है। और कैपिटल ए की जगह भी स्मॉल है। ये देखो कैंसल हुआ, ये भी कैंसल हुआ, तो आ गया वन इक्वल टू वन। तो रिलेशनशिप हो गया वेरीफाई, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही मुझे सबसे ट्रिकी लग रहा था, तभी मैंने यही वाला आपके लिए कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहूंगा शीना आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला भी ऐसे ही है, एट सब खुद कर लेना, पहले भी मैंने कराया था, क्योंकि मेन मैं ये अल्फा बीटा वाले कराना चाहता हूँ। नाइन्थ पढ़िए, If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x is equal to 4x square minus 5x minus 1, find the value of alpha square beta and alpha square beta plus alpha beta square. हाँ, तो मैं लिख के समझाता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा नाइन्थ।
ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल इस बार हमें गिवन है 4x² - 5x - 1, और हमें वैल्यू चाहिए इसकी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो फिर से वही करेंगे शीना, इसे कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए बताइए सर, ए है 4, बी है -5 और सी है -1। ओके, सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -5/4, तो यहां से ले लीजिए माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 5/4। इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, सी के प्लेस पे आ गया -1 और ए की जगह आ गया 4, तो ये आ गया -1/4। अब बेटा जिसकी ये वैल्यू चाहिए हमें, ध्यान से देखो उसमें से अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, इसमें से अगर अल्फा बीटा कॉमन लोगे तो यहां बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की जगह -1/4 लिखिए मल्टीप्लाई में है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह 5/4 लिखिए, तो आंसर कितना आ जाएगा -5/16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9th, आंसर आ गया -5/16। मुश्किल तो नहीं था ये, तो इजी है। हाँ सर। सॉरी, ओके, 10th क्वेश्चन प्लीज। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, alpha upon beta plus beta, quadratic polynomial f of x is equal to 6x² plus x minus 2, find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. Okay, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10th। तो ध्यान से देखिए, f of x आपको गिवन है 6x² प्लस x माइनस 2, और आपको वैल्यू चाहिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। तो सबसे पहले तो बेटा वैसे ही करोगे, सम और प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक है, बोलो a b और c की वैल्यूज बोलिए। सर a है 6, b है 1 और c है -2। ओके, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाइए, बी के प्लेस पे -1 और ए के प्लेस पे पुट करिए 6, तो ये आ गई पहली इक्वेशन। अगर कहीं अल्फा प्लस बीटा आएगा तो उसकी जगह आप -1/6 लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, C की जगह -2 और A की जगह आप 6 रखिए, तो अल्फा इनटू बीटा हमारा आ गया -1/3। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, एलसीएम लीजिए अल्फा बीटा, दिस अपॉन दिस, अल्फा बचा अल्फा इनटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर और ऐसे यहाँ पर बीटा स्क्वायर। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था फर्स्ट वाला, तो आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां से वैल्यू निकाल लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, इसे लेफ्ट में ले आइए, तो ये आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह बताइए शीना हम क्या लिखेंगे। अल्फा बीटा की जगह, अल्फा प्लस बीटा की जगह, यहाँ देखो
अल्फा प्लस बीटा की माइनस जगह माइनस वन अपॉन सिक्स, और और अल्फा, अल्फा बीटा की जगह माइनस वन अपॉन थ्री। तो ऐसे पुट कर लीजिए। बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स है, माइनस 1/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/36, माइनस इनटू माइनस इस प्लस, ये आ जाएगा 2/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर बिगर अपॉन है जो कि है माइनस 1/3, 36 और 3 का एलसीएम आएगा 36, 36/3 12, 12 × 2 24, ये आ जाएगा 25/36 अपॉन में माइनस 1/3। 25/36 को एज इट इज रहने दीजिए, माइनस 1/3 का रेसिप्रोकल कीजिए, 3 × 1 = 3 = 12, ये आ जाएगा 25/-12। माइनस डिनोमिनेटर में कभी नहीं होना चाहिए, आंसर आ गया -25/12। अब ये मैं सेंड कर देता हूँ आपको। ये मैंने सेंड कर दिया शीना, और अब मैं चाहूंगा आप प्लीज नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये वाला आप रीड करें। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to x square माइनस बी, show that alpha plus one and beta plus one is equal to one minus c. ओके तो ये जरा मैं आपको लिख के समझाता हूँ, तभी क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th। आई रिपीट, ये क्वेश्चन नंबर है 11th। इसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी, ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस वन माइनस सी। आपको शो करना है अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन जो है वो 1 − c के इक्वल आएगा। शीना सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं है, तो इसे उस फॉर्मेट में लाने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। ये बन जाएगा माइनस पी की एक्स से करोगे तो बनेगा माइनस पी एक्स, और माइनस पी की वन से करोगे तो बनेगा माइनस पी। और अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, और फिर होनी चाहिए कांस्टेंट टर्म, ये आपको पता ही है। तो अब आप इसे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कैप्स में लिखे हैं मैंने, ये बताइए। सर ए है 1, बी है माइनस पी और सी है माइनस ब्रैकेट माइनस में पी पी प्लस सी। प्लस सी। अब फिर से सम और प्रोडक्ट निकालिए, सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं यहाँ कैप्स में लिख रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। माइनस बी अपॉन ए, बी की जगह आप माइनस पी रखिए और कैपिटल ए की जगह आप वन रखिए, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा प्लस पी, या सिंपली पी। अंडरलाइन कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए, सी की जगह रखिए माइनस ब्रैकेट में पी प्लस सी, और ए की जगह रखिए 1। तो ये सॉल्व करोगे आ जाएगा माइनस पी माइनस सी, ठीक है। इसे आप दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो भी प्रूव करना है, इसकी एलएचएस आप ले लीजिए, पहले अल्फा की मल्टीप्लाई होगी बीटा प्लस 1 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई होगी बीटा प्लस 1 से, ऐसे फिर दिस इनटू दिस इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, अल्फा इनटू बीटा अल्फा बीटा बोलते जाओ, अल्फा इनटू 1। अल्फा माइनस ये अपॉन अरे वो बाद में पुट करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू माइनस वन अल्फा, वन इंटू बीटा बीटा, और ओके प्लस वन की जगह प्लस वन। अब इसकी पेयरिंग करो,
अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा की जगह प्लस पी प्लस वन, पी से पी कैंसल, वी आर लेफ्ट विद वन माइनस सी। ध्यान से देखो, यही हमारी आरएचएस है। सर आप एक बार ये बार समझाओगे? हाँ एक एक मिनट रुकिए, पहले मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। देखो सम और प्रोडक्ट तो लगभग सब में वैसे ही निकालना है। एक तो इस इक्वेशन जो थी ना गिवन, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं थी। सबसे पहले मैंने माइनस पी का मल्टीप्लाई किया एक्स से, फिर माइनस पी की माइनस वन से, उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में बनाया, सम और प्रोडक्ट निकाला। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की। पहले अल्फा की मल्टीप्लाई करोगे बीटा प्लस वन से, उसके बाद प्लस वन की मल्टीप्लाई करोगे बीटा प्लस वन से। ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस वन इंटू बीटा इज बीटा, वन इंटू वन इज वन। अल्फा बीटा की जगह माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा की जगह स्मॉल पी। पी से पी कैंसल, वी आर लेफ्ट विद वन माइनस सी। क्लियर? हाँ सर। आई वॉन्ट यू टू रीड क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial such that alpha plus beta is equal to 24 and alpha minus beta is equal to 8, find a quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros. तो बेटा यहाँ पर है ना, देखो alpha और beta दे रखे हैं, दो equation दे रखी है। सबसे पहले तो हम इन equation को, जैसे मैं 9th में आपको solve कराता था ना, वैसे solve कराऊंगा और वैल्यू निकालूंगा अल्फा और बीटा की। पहली इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 24, और दूसरी इक्वेशन है अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 8। दोनों को ऐड कर दो। अगर ऐड करोगे देखो ये बीटा एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? अल्फा यहाँ पर एक वेरिएबल है, अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा, 24 प्लस 8 इज 32। अल्फा कितना आ गया 16। अब ये जो वैल्यू आई है अल्फा की, ये आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। सपोज इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, ठीक है? आप 2 में भी डाल सकते हो चाहो तो। अल्फा की जगह लिखो 16, बीटा की जगह बीटा इक्वल टू 24। 16 को राइट साइड पे ले जाओ तो बीटा कितना आ गया 8 आ गया। अल्फा आ गया 16 और बीटा आ गया 8। मैंने आपको तीन इक्वेशन लिखवाई थी अगर आपको याद हो, और एक ये भी लिखवाई थी शीना अगर याद हो तो, k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट की जगह अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह अल्फा बीटा। तो ये डायरेक्ट हम कर लेते हैं, ठीक है? अल्फा की जगह 16 और बीटा की जगह आप रखिए 8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन 16 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 16 इनटू 8। आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस में 128, ठीक है? हाँ बिल्कुल सेम डिट्टो यही आंसर आ रहा है आरडी में भी, ठीक है? आपके पास नई आरडी है ही सही, आंसर टैली करते रहो। ओके तो ये मैंने आपको सेंड कर दिया। अब मैं चाहूंगा शीना आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 13 रीड करें। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर नेगेटिव ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। ओके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना जिसके जो जीरोस है ना वो नेगेटिव है ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इसे आप कंपेयर कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, और साफ साफ पता लग रहा है ए है पी, बी है क्यू और सी है हमारा स्मॉल आर।
सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, तो यहां पर b की जगह आ जाएगा q और a की जगह आ जाएगा p। इसे आप इक्वेशन वन दे दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है c अपॉन ए। c की जगह स्मॉल r और a की जगह आप p पुट कर दीजिए। ये इतना तो क्लियर है आपको। अब एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या दे रखे हैं, ये वाली जो गिवन इक्वेशन थी उसके नेगेटिव दे रखे हैं, रूट्स मतलब जीरोस, मतलब अल्फा डैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा डैश दिया माइनस अल्फा और बीटा डैश दिया हुआ है माइनस बीटा। तो नया सम ऑफ द रूट हो जाएगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश की जगह माइनस अल्फा। ध्यान से समझिए, वीडियोग्राफी में रिपीट कराना शीना बार बार पॉसिबल नहीं होगा, तो ध्यान से समझिए। अल्फा डैश की जगह माइनस अल्फा और बीटा डैश की जगह माइनस बीटा आएगा, यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लीजिए। और ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर वन से अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिख दीजिए माइनस ऑफ क्यू ओवर पी। ये कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर वन से आया। तो नया सम ऑफ द रूट जो है वो हमारा माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस क्यू अपॉन पी आ गया। ठीक है, ऐसे ही शीना हम नया प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे जो कि हो जाएगा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश की जगह माइनस अल्फा और बीटा डैश की जगह माइनस बीटा लिखेंगे। माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा बीटा की जगह शीना क्या आएगा, आर अपॉन पी आएगा। तो इसे आप नंबर बेशक थ्री दे दीजिए, ठीक है, और इसे आप नंबर फोर दे दीजिए। अब जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस में ये पी आर डैश। ठीक है, तो बेटा नई इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस आर डैश, ये पी आर डैश था, ठीक है, एस आर डैश कितना आया था बेटा, क्यू अपॉन पी आया था, और पी आर डैश कितना आ गया, आर अपॉन में पी आ गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया पी, ये एक्स स्क्वायर को लिखो एक्स स्क्वायर बाय वन, ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस में आर, के बाय पी को अलग ले लो, ये आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस में आर, और के बाय पी की जगह लिख लो के डैश पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, जहां के डैश जो है वो के बाय पी एक कांस्टेंट है उसके इक्वल है, ये था 13। ठीक है, उन्होंने k की टर्म में नहीं लिखा, सीधा ही आंसर लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि आरडी से बेटा मैं अलग टेस्ट दूंगा आपको। ओके, अब मैं चाहूंगा शीना आप क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें, ये काफी डिफरेंट है ये वाला। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to x square minus 1, find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon x. हाँ, तो ध्यान देना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मैं लिख के समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर अल्फा और बीटा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके जीरोज है। हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज होने चाहिए टू अल्फा अपॉन में बीटा, और नया जीरो बीटा डैश क्या होना चाहिए बेटा, टू बीटा अपॉन अल्फा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्स वाली टर्म शीना मिसिंग है, तो सबसे पहले तो इसे वैसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस वन। अब बेटा हम इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, बताइए यहाँ ए क्या है,
यहाँ पर ए 1 है, बी 0 है और सी -1 सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला बोलिए। है। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और बी हमारा 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का बोलिए। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? -1 आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है? अब बड़े ध्यान से सुनो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नया सम ऑफ द रूट्स, न्यू सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा एस आर डैश, और वो होगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अल्फा डैश दिया है 2 अल्फा अपॉन में बीटा, और बीटा डैश दिया है 2 बीटा अपॉन में अल्फा। एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा आ गया, दिस अपॉन में दिस अल्फा बचेगा इंटू 2 अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो, ये हो गया 2 ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। और मैंने वो एक आइडेंटिटी लिखवाई थी शीना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद है? हाँ सर। इसका नंबर खुद ही चेक कर लेना, ठीक है? तो मैं अब नया एस आर डैश की पहले वैल्यू निकाल रहा हूँ कितनी आ रही है। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिखूंगा 0, ये हो गया 0 का स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा की जगह मैं लिखूंगा -1 अपॉन में अल्फा बीटा की जगह -1। 0 का स्क्वायर है 0, -2 × -1 इज +2 अपॉन में -1, ये हो जाएगा 4 अपॉन में -1। यानी कि नया सम ऑफ द रूट कितना आ गया शीना? -4 आ गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बनाएंगे, ठीक है? अब इसके बाद ध्यान से देखिए, ऐसे ही आप नया प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें है ना पुराने रूट यूज करके नए निकालने होते हैं, ठीक है? ध्यान देना। तो ये हो जाएगा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश की जगह आ गया 2 अल्फा अपॉन बीटा, और बीटा डैश की जगह आ गया 2 बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा से बीटा काटो, अल्फा से अल्फा काटो, तो ये कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है? तो नया प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा डैश इंटू बीटा डैश हमारा 4 आ गया। अब हमें नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, पुरानी वाली नहीं, नई बनानी है। वो जाएगी के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एस आर डैश इंटू एक्स प्लस पी आर डैश। एस आर डैश नया है -4 इंटू एक्स, और पी आर डैश की जगह आ जाएगा +4, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर +4x+4। ये है 14 का आंसर, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शीना, ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगर आप इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तब जाके ये ऐसे फ्लॉलेसली हो पाते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। अब अगला देखो, अगला पढ़ो आप पहले 15th। If the square difference of the zero of the quadratic polynomial f of x is equal to x square plus p x plus 45 is equal to 144, find the value of p. देखो, अब इसने स्क्वायर डिफरेंस बोला है, पर मुझे ध्यान नहीं है, मुझे भी करके देखना पड़ेगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बोला है या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बोला है। तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ, कोशिश करेंगे। आज हम 16 तक कर, थोड़े से ही रह गए हैं, कर ही लेते हैं, ठीक है? पूरे ही कर लेते हैं। 15th वाले में सबसे पहले ध्यान से देखिए, एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। पहले तो शीना मैं कुछ नहीं करता, मैं वैसे ही इसे कंपेयर कर रहा हूं। देखो ए बोलो सर, ए है 1, बी है पी
और सी है 45। ओके, सम ऑफ द रूट बोलो। अल्फा प्लस और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट रूट। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस बी पी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालो, सी अपॉन ए। सी है हमारा 45, ए है हमारा 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसने बोला स्क्वेयर डिफरेंस। चलो शीना, मैं एक ट्राई करता हूं। मैं स्क्वेयर डिफरेंस को एक बार ये लेके दे रहा हूं, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो नहीं था। ठीक है, इसे मैं ऐसे लेके दे रहा हूं, ये इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। पहले मैं ट्राई कर रहा हूं, इससे आंसर नहीं आएगा तो मैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लूंगा। अब शीना, मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था, देखो, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा में लास्ट वाला, तो मैं उसी को यहाँ पर डिराइव कर रहा हूँ। मान लो एग्जाम में आप भूल गए कि वो क्या था रिलेशनशिप, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद है, राइट? हाँ सर। तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है, 2 अल्फा बीटा ऐड करना है और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करना है। अब इन तीनों की तो कट्ठी पेयरिंग कर लो और इन दोनों को इकट्ठा ले लो। राइट वालों को एक ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि मेरे पास ना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालने के लिए डायरेक्ट आइडेंटिटी मैंने लिखवा तो रखी है, थोड़ा सा आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये जो -2 अल्फा बीटा क्रॉस वाले हैं, उनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो या तो आप ये डायरेक्ट आइडेंटिटी ऐसे याद रखो कि अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा है। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ गया माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा की जगह आ गया 45, और ये स्क्वायर डिफरेंस यानी कि ये कितना दिया हुआ था, ये 144 आपको गिवन था और आपको बोला था पी की वैल्यू निकालो, तो इसकी जगह 144 स्क्वायर डिफरेंस की जगह। ठीक है, यही बोला था उन्होंने, स्क्वायर डिफरेंस है 144, मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है 144। चलो सॉल्व करके देखते हैं कि हमने सही किया है या नहीं। ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 180। 180 को लेफ्ट में ले आओ, ऐड हो जाएगा, ये हो गया 324 इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर। पी आ जाएगा रूट ऑफ 324 विच इज प्लस माइनस 18। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ये है मतलब स्क्वायर डिफरेंस का मतलब है होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर मत माइनस बीटा स्क्वायर मत कर लेना, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15, प्लस माइनस 18। अब मैं सेंड कर रहा हूं। ये मैंने सेंड कर दिया शीना, अब मैं चाहूंगा आप अगला पढ़ें, 16th वाला पढ़िए। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to x square minus px plus q, prove that is alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square is equal to p to the power of 4 upon q square minus 4p square upon q plus 2. ओके, ध्यान से देखिए, पहले मैं लिख के समझाता हूँ। अल्फा बीटा यहाँ पर गिवन है, ठीक है, मैं बोर्ड ड्रॉप करता हूँ आपके लिए। चलिए एक बार इस पे करते हैं चेक, पे थोड़ा आईज में लगता है, ब्लू स्क्रीन पे करते हैं। चलिए 16 क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, शो दैट, ये हमें करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर जो है हमारा पी की 4 बाय क्यू स्क्वायर
ये आ रही है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो शीना सबसे पहले तो इसे कंपेयर कीजिए, वैसे ही बोलिए बेटा ए बी सी। सर इसमें ए है 1, बी है पी और क्यू है बी माइनस है माइनस पी, ध्यान दो। पी। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला बोलिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये सॉल्व कर लो, अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस इनटू माइनस प्लस पी आ जाएगा, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला बोलिए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन वैल्यू भी डाल दो भाई, सी की जगह क्यू और उसकी जगह 1। अब यहां से मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ शीना, थोड़ा एलसीएम ले रहा हूँ। ये आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4। ये एक फॉर्मूला मैं लिखवाना भूल गया शायद, ए की 4, ये लिख लो उसी में आइडेंटिटीज में, ए की 4 प्लस बी की 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab² और फर्दर इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इसका होल स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह ए बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कैपिटल ए जो है वो है अल्फा और कैपिटल बी जो है वो है बीटा, ठीक है। तो हमें चाहिए इसकी वैल्यू, अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4 की जगह मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे। और यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब मैं बड़े आराम से करूंगा, ध्यान देना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा पी, अल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा क्यू इसका होल स्क्वायर माइनस यहां भी ये क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में क्यू का होल स्क्वायर। अब ये देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसे खोल रहा हूं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई है हमारा 2q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q माइनस 2q² होल डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। ये फर्दर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो गया पी की 4, 2q का होल स्क्वायर हो जाएगा 4q² माइनस 2 इंटू 2 ये हो गया 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q² अपॉन क्यू स्क्वायर। ये 4q² माइनस 2q² सब्ट्रैक्ट कर लो, पी की 4 और माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू को एज इट इज लिखो। शीना 4q² माइनस 2q² इज, टू क्यू स्क्वायर आएगा। अब इसे ऐसे सेपरेट कर लो, आरएचएस के बराबर लाना है, ध्यान दीजिए। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर काट दो, यहां पर एक क्यू से ये क्यू काट दो। अब ध्यान से देखो, आरएचएस यही बच रही है, पी की 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2, और यही हमें प्रूव भी करना। मैं सेंड कर रहा हूं,
ये थोड़ा सा टफ है, बार बार करना, ठीक है? ये मैंने सेंड कर दिया शीना। अब मैं चाहता हूं आप इनमें से मैं कोई एक पार्ट करूंगा, बहुत सारे हैं ये, मैं एक थर्ड वाला, चलो मैं कर देता हूं। आप पढ़ो 17, जल्दी से पढ़िए शीना। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन इवेल्युएट सर चार तीनों पढ़ो हाँ, वन अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस वन अपॉन ए बीटा प्लस बी सेकंड बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी एंड थर्ड अल्फा सॉरी ए इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा ओके, मैं स्क्वायर लिख के समझाता हूँ शीना, ये तभी समझ आएगा आपको, ठीक है? आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं लिख के बताता हूँ। सबसे पहले बेटा देखो, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। इसमें एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ज्यादा स्ट्रेस तो इसमें देना नहीं है, क्योंकि जो सम ऑफ द रूट है वो तो वही होगा, माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है? पहली बात। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, ये कह रहा है इसे इवैल्यूएट करना है, वन अपॉन में ये है ए अल्फा प्लस स्मॉल बी प्लस वन अपॉन में ए बीटा प्लस स्मॉल बी। देखो ऐसे एलसीएम आएगा, ए अल्फा प्लस स्मॉल बी इंटू ए बीटा प्लस स्मॉल बी। अब दिस अपॉन में दिस करोगे, बच जाएगा ए बीटा प्लस स्मॉल बी, और दिस होल अपॉन में दिस करोगे, बच जाएगा ए अल्फा प्लस स्मॉल बी। इन दोनों की पेयरिंग कर दो, ठीक है? मैं थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, ये जो राइट वाले हैं इसमें से ए कॉमन ले लो, और पहले बेटा लिखो अल्फा और फिर लिखो प्लस बीटा, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं ना, बी प्लस बी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी। अब नीचे मल्टीप्लाई करो, मैं आपके लिए स्टेप लिख के बता रहा हूँ मल्टीप्लाई कैसे होगी। ए अल्फा का मल्टीप्लाई होगा ए बीटा प्लस स्मॉल बी के साथ, और फिर स्मॉल बी का मल्टीप्लाई होगा ए बीटा प्लस स्मॉल बी के साथ। अब ध्यान से देखो अगला स्टेप, अल्फा प्लस बीटा की जगह इक्वेशन नंबर वन से लिख दो माइनस बी बाय, और ये जो ट्वाइस ऑफ स्मॉल बी है इसे एज इट इज लिखो, यहाँ ये कट जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है शीना, देखो ए अल्फा इंटू ए बीटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा। मुझे साथ साथ जवाब चाहिए, ए अल्फा इंटू बीटा ए इंटू बी इंटू अल्फा, स्मॉल बी इंटू ए बीटा स्मॉल ए बी इंटू बीटा, और बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है? अब यहां से अगला स्टेप, यहाँ कॉन्टिन्यूशन में देखो, ऊपर बच गया माइनस बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी होल डिवाइड बाय, ये है ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की जगह आ गया सी अपॉन ए प्लस ए बी इंटू अल्फा। इन दोनों में से ध्यान से देखो शीना, मैं ए बी कॉमन ले रहा हूं, अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा प्लस में बी स्क्वायर, माइनस बी प्लस टू बी हो गया बी, यहाँ ए से एक ए काट दो, ये आ गया ए सी। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए, ये थोड़े से मुश्किल है, पेशेंस रखिए थोड़ा, यहाँ बी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है? अब यहाँ देखो ए से एक ए काट दो, ऊपर बच गया बी अपॉन में ए सी माइनस बी। क्या
कि बी से करोगे माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो ये बच गया बी अपॉन ए सी। और अगर आप आंसर भी चेक करोगे यही है, ये वन बाय वन करेंगे शीना और डायरेक्ट वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। मैं इसे मैसी नहीं बनाना चाहता हूँ, तभी अलग अलग पेज पे कर रहा हूँ, और सम और प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से मैं साथ साथ सेंड कर रहा हूँ, बस 10 मिनट और फिर हमारे ये सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तभी मैं कह रहा था ये वीडियो थोड़ा हमारा लेंथी होगा, मैंने पहले आपको कहा था। अब सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए, बीटा अपॉन में है ए अल्फा प्लस बी, और अल्फा अपॉन में ए बीटा प्लस बी। देखो आप डिनोमिनेटर को बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आएगा ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी, ये हो जाएगा बीटा मल्टीप्लाई में ए बीटा प्लस स्मॉल बी, और अल्फा मल्टीप्लाई में ए अल्फा प्लस स्मॉल बी। जब आपको पता है ना प्राइम नंबर होते हैं, कुछ कॉमन नहीं होता, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो शीना स्टेप, बीटा इंटू ए बीटा, ये हो जाएगा ए इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू स्मॉल बी, ये हो जाएगा स्मॉल बी इंटू बीटा, ए अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा ए इंटू अल्फा स्क्वायर, और अल्फा इंटू बी हो जाएगा स्मॉल बी इंटू अल्फा। और बेटा डिनोमिनेटर फिर से शीना सॉल्व करने मत बैठ जाना, फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी अभी आपको भेजा है उसमें ध्यान से देखो डिनोमिनेटर को, जब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं पूरा सेम ही है डिनोमिनेटर, जो पहले वाले पार्ट में डिनोमिनेटर आया था और ये वाले पार्ट में सेम ही है, और अगर हम उसे सॉल्व कर रहे थे तो आपको याद है ना क्या बच रहा था, सिर्फ एसी बच रहा था, तो डायरेक्ट ऐसे ठीक एसी लिख दो, यहां से इन दोनों दोबारा से सॉल्व करने मत बैठ जाना, इनमें से स्मॉल ए कॉमन लो, पहले लिखो अल्फा स्क्वायर फिर लिखो बीटा स्क्वायर, ऐसे पेयरिंग कर लो, और इन दोनों में से जो क्रॉस लगाए हैं स्मॉल बी कॉमन लो, तो बच गया बीटा प्लस अल्फा अपॉन में है ए सी। अब ये वाला जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है बेटा, इसकी जगह वही आइडेंटिटी लिखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ऑलरेडी आप तो कॉन्टिन्यूशन में कर रहे होगे, ये कटेगा नहीं ऐसे ही रहेगा। अब वैल्यू डालो, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी, और अल्फा बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की जगह, और यहां पर आ गया सी अपॉन ए, और ये आ गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए होल डिवाइड बाय ए सी, ठीक है। यहां बेटा एलसीएम भी ले रहा हूं शीना मैं, डायरेक्ट नहीं, पहले एक स्टेप खोलना पड़ेगा, ये हो जाएगा ऐसे बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए माइनस है बी स्क्वायर बाय, और ऐसे यहाँ नीचे है डिनोमिनेटर ए सी, एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब इसे सॉल्व करो, ए और ये एक कट जाएगा, यहां पर बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए, और ये बच गया, ये यहाँ ए सी रहने दो, एलसीएम आ गया ए, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दो, इस स्टेप में ऊपर कर रहा हूँ शीना, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2ac अपॉन में ए अपॉन में ए सी, ए से ए काट दो, माइनस 2c अपॉन में ए सी, सी से सी काट दो, फाइनल आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन में ए, जो कि बिल्कुल सही है। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हो। हाँ सर, मैं सेंड कर रहा हूं, बस दो पार्ट रह गए इसका, अब मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं।
थर्ड पार्ट में अगर ध्यान हो तो ये है ए ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बी ब्रैकेट अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। देख बेटा यहां पर एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहां पर एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं शीना, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह लिख दोगे उसी आइडेंटिटी से अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब वाली से, आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और यहां जो ये अल्फा बीटा है इसकी जगह माइनस बी अपॉन ए लिख देना, और यहां पर ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसकी जगह लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन में माइनस बी बाय। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन है, आराम आराम से करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस बी बाय ए का होल क्यूब, अल्फा बीटा की जगह सी बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय ए। सीधा ही कर दूं, ये देखो ये माइनस बी बाय ए ऊपर आके क्या हो जाएगा ए अपॉन माइनस बी प्लस, ऐसे ही ये भी ऐसे हो जाएगा ए अपॉन में माइनस बी, और अंदर है ये कुछ भी नहीं है माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस टू सी बाय ए। अब बड़े ध्यान से करना आराम आराम से, ये देखो ये हो गया ए, ए इंटू में ये हो गया ए स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर बाय बी हो गया। ठीक है, ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया ये और ये। अब बेटा ये बन गया बी क्यूब बाय ए क्यूब और माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस थ्री बी सी अपॉन में ए स्क्वायर, एलसीएम आ गया ए क्यूब, यहाँ आ गया माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी, ऐसे ये भी हो गया माइनस ए बी, अच्छा ये तो कट रहा है बी है ना, बी बी इंटू ए बाय बी इंटू ए बाय माइनस बी था, बी से बी कट कर दो, ये सिर्फ माइनस ए बच गया, और ये आ गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन में ए, एलसीएम ले लो ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, यहां इसे ए से एक ये भी काट दो, यहां इसे ए स्क्वायर से ये काट दो, तो ये बच गया शीना, यहां लिख रहा हूं माइनस वन अपॉन में ए बी, और यहां अंदर ये है माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी, ये है ये ऊपर चला जाए नहीं, ये है माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए। अब यहाँ न्यूमिनेटर में से और कॉमन ले ले बेटा, ध्यान से देख यहाँ से बी कॉमन है तो अंदर बच गया माइनस बी स्क्वायर प्लस थ्री ए सी माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए। थोड़े लेंदी होते हैं ये, बी से बी कैंसिल कर माइनस की मल्टीप्लाई कर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस थ्री ए सी अपॉन में ए माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए, एलसीएम आ गया ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दे माइनस थ्री ए सी प्लस ए सी माइनस ए सी ओवर ए, आंसर मेरा आ रहा है माइनस सी पर बुक में आंसर आ रहा है प्लस बी, कुछ गड़बड़ हुई है, फिर से देखना पड़ेगा शीना ये बुक में आंसर। चलो ये वाला हम आराम से देखेंगे, प्रोसीजर यही है।
कॉमन वगैरह तो सही लिया है, लास्ट में गड़बड़ आ रही है कुछ, +2ac। ओके चलिए आराम से देखेंगे शीना, मैं इतना सेंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है? हाँ आप जी, नोट करना, आराम से देखेंगे वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम इसमें गलती ढूंढने बैठे तो। पर कई क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं बहुत लेंथी होते हैं, ठीक है? ये आराम से मैं देख के आपको अलग से बताऊंगा। और मैं चाहूंगा एक लास्ट क्वेश्चन जो है शीना आप पढ़ें फटाफट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा अपॉन माइनस वन अपॉन बीटा। ओके ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है और बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर है ये 18। तो मैं लिख के बताता हूँ। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ए बी और सी बोलो। सर एफ है वन, सॉरी ए है वन, बी भी है वन और सी है माइनस टू। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बेटा आगे भी बोला करना। सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन, और ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन वन। -2 आ गया, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, हमें वैल्यू चाहिए 1 अपॉन अल्फा -1 अपॉन बीटा की। एलसीएम ले लो, ये ऐसे आ गया बीटा माइनस अल्फा, इसमें से माइनस ले ले कॉमन, ठीक है? अब आपको वो आइडेंटिटी तो याद होगी जो मैंने अल्फा माइनस बीटा की लिखवाई थी, तो डायरेक्ट उसी से मैं लिख रहा हूं अल्फा माइनस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ठीक है? डायरेक्ट लिख दिया मैंने शीना। और अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा की जगह -2, और यहां भी -2। तो ये हो गया माइनस रूट के अंदर, ये हो गया 1 + 8 अपॉन में -2। ओके ये रूट है ना बेटा, तो आप प्लस माइनस दोनों ही लिख सकते हो ना, क्योंकि रूट तो सॉल्व के ऐसे आएगा। देख माइनस माइनस अगर काट भी देती है प्लस, तो ये बच गया √9/2, और √9 आपको पता है +-3 होता है। तो ये इसका आंसर है। कुछ नए फॉर्मूले जो सिखाए हैं वो लर्न रखना शीना। हाँ सर, ये मैं सेंड कर देता हूँ आपको। एक वो जो गलत आ रही थी वो आराम से देखेंगे क्या क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? और इन द मीन टाइम शीना अब आप अच्छे से ये कर लेना अपने क्वेश्चंस राइट, यस सर, एंड फिर आगे कराते हैं। थैंक यू।